आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं और हेल्थ प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो बेसिकली आप उन लोगों के साथ में डील करते हैं जो बीमार हैं, आप उन लोगों के साथ भी डील करते हैं जो बहुत बीमार हैं, खूब लंबे समय से बीमार हैं, आप गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के साथ भी डील कर रहे होते हैं। बेसिकली आप जब उन बीमार लोगों को ये कन्विंस करते हैं कि ये खाने से आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो आप उनका असल में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब आप वो प्रोडक्ट उस बीमार व्यक्ति को, उस पेशेंट को बेच रहे होते हैं, तो वो पेशेंट इस उम्मीद के साथ आपकी तरफ देखता है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। वो इस उम्मीद की नजर से आपकी तरफ देखता है कि आप इस प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट को जानते होंगे, कितने इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं, वो कैसे काम करते हैं, बॉडी में जाते हैं तो किस तरीके का एक्शन करते हैं, कितने दिन खाना है, उसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई है, कौन सी स्टडी हुई है, कब हुई है, कितने लोगों पे हुई है, उसका रिजल्ट क्या आया है। वो आपकी तरफ इस उम्मीद से भी देखता है कि शायद आप ह्यूमन बॉडी को समझते होंगे, आप शायद उस बीमारी को भी समझते होंगे, तभी तो आप मेडिकल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तभी तो आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। और अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं या आप ठीक नहीं कर रहे हैं। फर्ज कीजिए कि आप अपने लाडले बेटे का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप किसके पास जाएंगे? फर्ज कीजिए कि आप अपनी मां का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप किसके पास जाएंगे? आप अपने पिताजी का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप किसके पास जाएंगे? किसी अनाड़ी के पास में, जो ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानता है, जो मेडिसिन के बारे में नहीं जानता है, जो उसके इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं जानता है, उसको यह भी पता नहीं है कि कितने वर्षों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसको यह भी नहीं पता है कि इसका रिसर्च कहां हुआ है, क्या रिजल्ट्स हुए हैं, कितने लोगों पर स्टडी हुई है। या आप उस आदमी के पास में जाएंगे जो इन सब चीजों का नॉलेज रखता है। आपका जवाब मुझे पता है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो जिम्मेदारी भरा है। वो पेशेंट आपकी तरफ इस नजर से, इस उम्मीद से देखता है कि आप उसे ठीक कर देंगे। और वो कोई मशीन नहीं है, वो कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई पंखा नहीं है कि ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो एक ह्यूमन बॉडी है, वो किसी का बाप है, किसी की मां है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, उसके पीछे भरा पूरा परिवार है। ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है दोस्त। आप जब इस प्रोफेशन में आते हैं, तो आपको इस प्रोफेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका इतिहास पता होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए कि उन बीमार लोगों को ठीक करने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। इसलिए यह जिम्मेदारी का काम है। ये ज्यादा जिम्मेदारी का काम है कि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर के आते हो। इसलिए ट्रेनिंग करना जरूरी है। आप ट्रेनिंग करेंगे, आपको नॉलेज होगा, आपको नॉलेज होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, और आपका क्लाइंट जब सेटिस्फाई होगा, आपकी सेल बढ़ेगी, और आपकी सेल बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। सोच करके देखिए कि आपकी टीम का एक एक मेंबर अगर आप ही की तरह तेज तर्रार होगा और इतना ही नॉलेज उसके पास भी होगा, आपका टर्नओवर कितना बड़ा होगा, और सोचिए कि आपका पे आउट कितना बड़ा होगा। इसलिए ट्रेनिंग से मुंह मत चुराइए, ट्रेनिंग से मत भागिए। एक एक मीटिंग, एक एक जूम मीटिंग, एक एक वेबिनार, एक एक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। पूरी जिम्मेदारी के साथ में नोट्स बनाइए और तब मार्केट में निकलिए। थैंक यू वेरी मच।